दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में मंगलवार को डीडीएमए की बैठक हुई। बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। बैठक में मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर इसी तरह केस बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक कोरोना के केस हो जाएंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने दिल्ली के अस्पतालों को सभी मरीजों के लिए खोलने का मामला उठाया और एलजी साहब से पूछा कि आखिर सरकार के फैसले को क्यों पलटा गया। इस पर राज्यपाल साहब कोई जवाब नहीं दे पाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी के फैसले से दिल्ली वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है उसे लगता है कि 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की आवश्यकता पड़ेगी। प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में